नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। दोस्तों, फ्रॉड कॉल्स डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही हैं। लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था कि मेरे साथ कैसे फ्रॉड होने वाला था। मेरे पास कॉल आई थी और मैंने इसको पब्लिश किया था, तो इसी तरह मेरे फ्रेंड को भी ऐसी कॉल आई थी और उसने कैसे कैसे बात करी, उस सभी की मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ, ताकि आप सतर्क रहें, अपने दोस्तों को सतर्क करें, अपने फैमिली को सतर्क करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, ऐसी कोई फ्रॉड कॉल आई हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपना ईमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं विद क्रेडिट ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद है आपको आगाह करना, आपको बताना कि लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, क्या क्या बात बनाते हैं। तो आप सचेत हो जाइए और अपने जितने भी पोर्टल्स हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे, ये सभी अपने बहुत ही सिक्योर रखें, किसी को कुछ डिस्क्लोज मत करें। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, ताकि वो अलर्ट हो जाएं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो हेलो कमलदीप। हाँ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाओ। बस हम भी ठीक है फिलहाल। पहचाना नहीं? पहचाना सर, पहचाना नहीं अभी। थोड़ा कोशिश करो, किसके आवाज लग रही है? अच्छा चलो, बात करेंगे, पहचान जाऊंगा जी। हम तो समय पे नए नंबर से कॉल करेंगे तो आवाज भी पहचान लोगे। ये बात तो है जी। नहीं पहचाना अभी? नहीं सर, अभी नहीं पहचाना। अरे जीजा जी बोल रहा हूँ। जीजा जी? जी जीजा जी। जीजा जी कौन से वाले? गुड़िया दीदी को नहीं जानते? गुड़िया दीदी को कहाँ से भला? अरे मौसी जी की लड़की नहीं है गुड़िया? मौसी जी की लड़की गुड़िया? हाँ। नहीं जी, पहचाना नहीं अभी। अरे नेहा दीदी को नहीं जानते? नेहा को? अच्छा नेहा। हाँ 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 हाँ, उन्हें प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो पहचान लिया जी? पहचान लिया। आप सुनाइए, कैसे सब ठीक है? जी जी बहुत बढ़िया। कहाँ, घर पे हो? कहीं बाहर हो? जी मैं घर पे ही हूँ। अरे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, इसलिए कॉल किया था। जी बताइए। ये करो, अपना फोन पे गूगल पे चल रहा है ना? हाँ जी। अरे क्या, एक बंदे के पास मेरे कुछ पैसे थे, 40,000 रुपए। उसने 20,000 तो मेरे फोन पे में डाल दिए। अच्छा जी। मेरे की लिमिट हो गई तो मुझे 20,000 रुपए और डलाने थे। मैं सोच रहा था तुम्हारे डला देता, तुम बाद में रिटर्न कर दो। हाँ हाँ, बेफिक्र होकर डला दो आप। कौन सा नंबर पे चल रहा है अपना फोन पे? ये इसी नंबर पे चल रहा है सर। भाई साहब इससे बात हो रही है? हाँ जी हाँ जी। ट्रिपल 97 वाले पे? जी जी जी। हाँ इसमें डला दे रहा है, एक बार क्या ना अपना बैलेंस चेक कर लो इसमें अपना फोन पे में ना। जी हाँ इसमें डला दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी। नेहा ये ना हमारी जो, नेहा यही वाली तो? जी देवांशी की मम्मी। जी 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 जी। ठीक है जी, आप डला दो, बेफिक्र होकर डला दो आप। हाँ एक बार अपना बैलेंस चेक कर लो अपने अकाउंट का। ठीक है जी। तुम्हें मालूम तो अपना बैलेंस? तो जी मुझे मालूम है। जैसे 20,000 डला दूंगा टोटल कितना हो जाएगा अकाउंट में? मैं इसमें देख लूंगा, हिस्ट्री भी तो आएगी ना। नहीं अपना जैसे क्या है ना, ये बंदा फर्म अकाउंट से डाल रहा है, कभी इधर से कट हो जाए कभी तुम्हारे ना पहुंचे, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा मैं एक मिनट अभी देख के बता रहा जी आपको। नहीं मालूम तो अपना बैलेंस तो, इतना तो कन्फर्म होगा। हाँ मेरे ख्याल से 10,000 के समथिंग है, 10,000 कुछ, 10,000 ऊपर है जी। तो मैं इसमें 10-10 करा के दो बार डला रहा हूँ। ठीक है। हाँ और इसमें हिस्ट्री भी आएगी ना? जैसे हाँ, हिस्ट्री भी आएगी जी। देखना मैसेज आया होगा, देखना 10,000 रुपए का। अपना लाउड स्पीकर कर लो, हैंड फ्री कर लो अपने मोबाइल को। हाँ जी 10,000 का मैसेज आ गया। आ गया? अपना लाउड स्पीकर कर लो अपने मोबाइल को। जी 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 10,000 का मैसेज आ गया। लाउड स्पीकर कर लिया जी? हाँ वो अभी ना अकाउंट में आया, उसमें लिंक आया ना? हाँ इसमें लिंक आया। हाँ लिंक ओपन करो, वो फोन पे ले जाएगा डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाएगा, वो अभी अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। अच्छा इसमें तो आ गया रिसीव्ड मनी 10,000। हाँ उसमें अभी जमा नहीं हुआ, वो फोन पे का जो वॉलेट है ना? हाँ उसमें जमा हुआ, अभी सेविंग अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो लिंक ओपन करो। नहीं ऐसे कैसे हो गया सर जी, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, जैसे ही वो डालेंगे पैसे ही जमा हो जाएंगे। वो बंदा फर्म अकाउंट से डाल रहा है ना डायरेक्ट अपने से। वो प्रॉब्लम है, तुम लिंक पे क्लिक करो, लिंक ओपन करो। चलो हो गई जी। अब देखो क्या रहा है, कंटिन्यू लिखा रहा है? एक मिनट बताता हूँ। हाँ कंटिन्यू आया, लिखा हुआ कंटिन्यू पे क्लिक करो।
कर दिया जी। अब देखो अकाउंट में जाने के लिए सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा, अपने अकाउंट में सेंड कर लो उनको। अच्छा आ रहा है सेंड का ऑप्शन? सेंड पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल के करो, तुरंत अकाउंट में जमा हो जाएगा। जमा कहाँ सर? ये तो निकल जाएंगे मेरे अकाउंट में से। तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसने बंदे मेरे में किया ना 20,000 रुपए। भाई साहब पहले तो ये बताओ, अच्छा सच में आप बोल कौन रहे? पहचानने है ना, सच में नहीं पहचाना ना? ना। चलो ठीक है भाई साहब, सुनो एक मिनट। तो दोस्तों आपने देखा कैसे वो अपने आप को जीजा बता के पहले इमोशनली अपनी तरफ किया उसको, और उसके बाद उसने बड़ी चालाकी से उसका बैलेंस भी पता कर किया कि आपका बैलेंस कितना है, और फिर उसी हिसाब से उसने वो फ्रॉड करने की कोशिश करी। लेकिन मेरा दोस्त काफ़ी चौकन्ना था, समझदार था, जो समझ गया आखिर में आके, तो इस तरह से वो उसने अपना बचाव किया। तो आप भी इसी तरह अपना बचाव कर सकते हैं, किसी को अपना कोई भी बैलेंस नहीं बताना, ना कोई आपको अकाउंट में जैसे ट्रांसफ़र की बात करे तो आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, ताकि आप ऐसे फ्रॉडों से बच सको। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी नया मेरा व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अंत में स्टे होम, स्टे सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, टाटा।